Hello, good evening students. Today in 10th class mathematics, we are starting a new topic, trigonometric identities. Trigonometric identities. तो identities क्या होती है बच्चों? Identities अभी हम लोग ऐसे relations को बोलते हैं या ऐसी equations को बोलते हैं which are true for any value of the variable. इसका मतलब क्या है? जैसे suppose for example, if we consider this algebraic identity, x plus y whole square is equal to x square plus 2xy plus y square. This is an algebraic identity. Because this equation is true for any value of x and y. आप इसमें x की जो भी value ले लो, x 10 ले लो, y की value 15 ले लो, substitute the values of x and y on the left hand side and right hand side. ये हमेशा same आएगा. So this is termed as what? An algebraic identity. तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या है? ये भी हमने बता दिया. आइडेंटिटी इज एन इक्वेशन विच इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल. अब यहां पर वेरिएबल एक्स है और वाई है. नाउ वी विल बी कंसिडरिंग व्हाट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. तो बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है? तो ये भी हम आपको बता दें कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बेसिकली तीन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है. साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. इसका मतलब यह है कि थीटा की कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, टेक एनी वैल्यू ऑफ थीटा एंड सब्स्टिट्यूट इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व, यू विल ऑलवेज गेट अ 1. साइन स्क्वायर 30 डिग्रीज प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्रीज विल बी इक्वल टू 1. साइन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 60 ये भी 1 आएगा. साइन स्क्वायर 10 डिग्रीज अगर आप ले लें प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्रीज, यू टेक एनी वैल्यू, दिस विल बी ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा. एक पहली ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ये है. दूसरी sec square theta minus tan square theta is equal to 1. The second one is this. Third, cosec square theta minus cot square theta, this will be equal to 1. So basically we will be studying three trigonometric identities at this stage. है? अब इसके बाद इनके प्रूफ अभी हम लोग ले रहे हैं. प्रूफ के लिए we will be making use of राइट एंगल ट्राइंगल. हम लोग इस राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करेंगे. सपोज इसमें ये थीटा है, सपोज ये ए है, ये बी है, ये सी है. तो अब इसमें साइन थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? साइन थीटा विल बी परपेंडिकुलर ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एंड द रेसिप्रोकल रेशियो. इसका रेसिप्रोकल रेशियो भी मालूम है अभी हम लोगों को. ये क्या आ जाएगा? कोसेक थीटा. तो कोसेक थीटा विल बी ए सी अपॉन ए बी. फिर उसके बाद कॉस थीटा देखो, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. कॉस थीटा विल बी बी सी अपॉन ए सी, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज. और इसका रेसिप्रोकल रेशियो सेक थीटा ए सी अपॉन बी सी. फिर उसके बाद टैन थीटा, टैन थीटा विल बी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस ए बी अपॉन बी सी. एंड कॉट थीटा, कॉट थीटा विल बी द रेसिप्रोकल रेशियो. तो रेसिप्रोकल रेशियो इसका क्या आ जाएगा? बी सी अपॉन ए बी. अब इसके बाद अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज प्रूव करने की कोशिश करेंगे. अब इसमें सबसे पहले अभी हम लोग क्या करें? In this triangle, we can write down using Pythagoras theorem. That AC square will be equal to AB square plus BC square. ऐसा लिख सकते हैं. AC square will be equal to AB square plus BC square. अब dividing इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है. हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर विल बी इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, ऐसा लिखा हुआ. डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एसी, एसी से डिवाइड करो तो क्या आ जाएगा? एसी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर
अपॉन ए सी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये कितना आ जाएगा, वन विल बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर। अब देखो ए बी अपॉन ए सी क्या है बच्चों, तो ए बी अपॉन ए सी क्या है, साइन थीटा। तो वन विल बी इक्वल टू दिस इज साइन थीटा का, इसको ऐसा लिख दे रहे हैं बच्चों होल स्क्वायर, इसको भी ऐसा लिख दे रहे हैं, ए बी अपॉन ए सी को क्या लिख दे रहे हैं, साइन थीटा। सो दिस विल बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। और बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी अपॉन ए सी क्या है बच्चों, कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और इसको स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब क्या है, कैसे लिखते हैं, सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, दिस इज द प्रूफ ऑफ द फर्स्ट आइडेंटिटी, है ना। तो ये बच्चों अभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या जल्दी से कॉपी कर लो। अब इसके बाद नेक्स्ट रिलेशन ले रहे हैं, देखो बच्चों तीन साइड्स हैं, ए बी बी सी और ए सी, हम लोगों ने अभी किससे डिवाइड किया, एसी से। अब इसी इक्वेशन को आप बीसी से डिवाइड कर दो तो एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी, और इसको फिर एबी से डिवाइड कर दो तो एक और आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखो कैसे, अब हम क्या कर रहे हैं, डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय एसी तो कर लिया, इससे डिवाइड कर चुके हैं, अब हम लोग इससे डिवाइड कर रहे हैं एबी से, एबी स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय व्हाट, ए बी, तो क्या मिलेगा, अब ए सी स्क्वायर अपॉन ए बी स्क्वायर क्या आएगा, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी बच्चों इसमें ये कोसेक थीटा है, तो कोसेक स्क्वायर थीटा, या इसको भी हम थोड़ा सा और अरेंज करके लेते हैं, ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस बी सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर। अब ए सी अपॉन ए बी का होल स्क्वायर यानी ये कोसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन प्लस बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी क्या है, कॉट थीटा, तो वन प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। सो वी राइट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सो दिस इज एक्चुअली व्हाट द थर्ड आइडेंटिटी, इसको आप इधर ले आओ, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन। So this is what the third identity. We have proved this. We have proved this one. Next इसके बाद अब देखना, अब इसके बाद बच्चों अभी हम लोग second identity prove करनी है। AC से divide कर चुके हैं, AB से भी divide कर दिया है, अब हम लोग किससे divide करने वाले हैं, BC square. So dividing both the sides. By BC square, तो क्या आ जाएगा, अगर अब आप इसको BC से डिवाइड करें, BC square, ये BC square और ये BC square, तो यह आ जाएगा AC upon BC का whole square is equal to AB upon BC का whole square plus one। अब इसके बाद क्या करें, वैल्यूज देखो, एसी अपॉन बीसी क्या है बच्चे, एसी अपॉन बीसी इज व्हाट, सेक थीटा, एबी अपॉन बीसी क्या है, ये टेन थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा इज व्हाट, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दिस इज व्हाट यू गेट।
तो अब इसके बाद ये सेकंड वाली आइडेंटिटी है, इसमें टेन स्क्वायर थीटा को भी आप इधर ले आए तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन। अब जो ये आइडेंटिटीज हैं जो कि साइन और कॉस के टर्म्स में, फिर सेक और टैन के टर्म्स में, और कोसेक और कॉट के टर्म्स में, अब इसमें इनका कोई भी फॉर्म अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। कोई भी फॉर्म मतलब क्या है ये भी हम बता दें। हम लोग इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है, तो साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसी भी फॉर्म में यूज किया जा सकता है, मतलब कॉस स्क्वायर थीटा को अगर आप इधर ले जाएं तो इधर आ जाएगा ये, मतलब अगर कहीं पर आपको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो उसको साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस बाय वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब समझ में आना चाहिए, कहीं पर अगर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख रहा है दिख रहा है तो साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। ऐसे इसमें कह सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस बाय वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसके बाद नेक्स्ट सेकेंड वाला, ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी, सेकेंड वाला सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है, तो सेक्स स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, या टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन। टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन, ऐसा कुछ आएगा। अब थर्ड वाली इक्वेशन, तो अब हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा अगर दिखता है तो उसकी जगह सेक्स स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या इफ रिक्वायर्ड देन सेक्स स्क्वायर थीटा कैन बी रिप्लेस बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब ऐसे ही इसको सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन कैन बी रिप्लेस बाय टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा इफ रिक्वायर्ड कैन बी रिप्लेस बाय सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन। अब इसका थर्ड वाला, ऐसा कुछ है, इसमें क्या करेंगे बच्चों, cosec square theta will be equal to 1 plus cot square theta, ऐसा लिख सकते हैं, या फिर cot square theta will be cosec square, इसको इधर ले आए cosec square theta minus 1, cosec square theta can be replaced by 1 plus cot square theta, और cot square theta can be replaced by what, cosec square theta minus 1। तो बच्चों इस पर बेस बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनते हैं, और वो प्रॉब्लम्स कैसे हैं ये अब हम लोग डिस्कस करेंगे इन द सबसिक्वेंट क्लासेस। अब देखो आगे, नेक्स्ट इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बच्चों कैसा कैसे आते हैं, एक तो अभी हम बता दें, एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ साइन ए। आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करने हैं। अब इसको कैसे करेंगे देखो ध्यान से, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन, तो कॉस स्क्वायर ए कितना आ जाएगा बच्चों, वन माइनस साइन स्क्वायर ए,
तो कॉस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू वन माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने इसमें प्लस माइनस जो लगा हुआ है इसमें, सिंस वी नो दैट ऑल दी एंगल्स व्हिच वी हैव स्टडीड इन 10th क्लास आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 90। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, जितने भी एंगल्स अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो एंगल्स 0 और 90 के बीच में है, मतलब 0, 30, 45, 60 और 90, यही एंगल्स पढ़ रहे हैं। एंड फॉर ऑल दी एंगल्स लाइंग बिटवीन 0 एंड 90, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का आंसर बच्चों पॉजिटिव में आता है। सो वी विल बी नेग्लेक्टिंग द नेगेटिव साइन। तो कॉस ए की वैल्यू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो अब हम लोगों ने क्या किया, कॉस ए को किसके टर्म्स में, साइन ए के टर्म्स में बता दिया, कॉस ए को किसके टर्म्स में, साइन ए के टर्म्स में। और टेन ए अगर बताना है तो टेन ए क्या होगा, साइन ए अपॉन कॉस ए। अब इसको साइन ए तो ऐसे ही लिखा रहने दें, कॉस ए तो कॉस ए बच्चों क्या है, तो कॉस ए की वैल्यू ये निकाल चुके हैं। एक्चुअल में अभी हम लोगों को क्या करना है, समझने की कोशिश करना, टेन ए का आंसर साइन ए के टर्म्स में आ गया, कॉस ए का भी आंसर साइन ए के टर्म्स में, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सभी को आपको साइन ए के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है। तो ये अभी बच्चों अभी उन्होंने क्वेश्चन बनाकर दे दिया आपको। अब आपको क्या चीज मालूम है, साइन ए तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्यों, साइन ए को इक्वल टू साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए इज इक्वल टू साइन ए, कॉस ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर ए, और टेन ए की ये वैल्यू आ गई। टेन ए की वैल्यू देखो अच्छे समझना, टेन ए साइन ए अपॉन कॉस ए। अब कॉस ए को क्या लिख दिया, ये वाली वैल्यू, क्यों, क्योंकि आंसर हमें साइन के टर्म्स में चाहिए। अब नेक्स्ट है कॉस ए के विल बी वन अपॉन साइन ए, ये कहा गया सिंपल, कॉस ए तो होता ही है साइन का रेसिप्रोकल। फिर उसके बाद कॉट ए इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, टेन ए का रेसिप्रोकल है ना, या फिर कॉस ए अपॉन साइन ए, कैसा भी लिख लो कॉस ए अपॉन साइन ए। और ये कितना है बच्चों, उसके बाद साइन कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, अब सेक वन अपॉन कॉस ए, तो एक क्वेश्चन का टाइप बच्चों ये है क्या, कि साइन जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं सबको किसके टर्म्स में, देखो टेन का आंसर साइन के टर्म्स में, कॉसेक का आंसर साइन के टर्म्स में, कॉट का आंसर ये भी साइन के टर्म्स में, सेक का आंसर साइन के टर्म्स में। अब ऐसे ही अभी आपको क्या पूछ सकते हैं कि आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताएं किसके टर्म्स में बच्चों, इन टर्म्स ऑफ कॉस एक्सप्रेस ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ कॉस ए। अब सारे आंसर्स आपको कॉस के टर्म्स में लाने हैं, तो अब सोच कर देखो क्या कर सकते हैं, अब इसमें कॉस ए को अभी हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं, कॉस ए इज व्हाट कॉस ए। अब साइन ए अगर लिखना है तो देखो इसमें से साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू वन होता है, तो साइन स्क्वायर ए विल बी वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं, हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, साइन ए विल बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। लेकिन आंसर अभी हमें किसके टर्म्स में चाहिए, कॉस के टर्म्स में है ना, तो कॉस के टर्म्स में आंसर तो आ गया, लेकिन ये वैल्यू कैसी रहेगी बच्चों, पॉजिटिव ही रहेगी।
उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, नेक्स्ट टैन ए निकाल लो, तो टैन ए इज साइन ए अपॉन कॉस ए, यहां पर लिख दे रहे बच्चों इसको, क्वेश्चन भी यहां पर लिख दे रहे हैं क्योंकि वहां पर थोड़ा सा स्पेस कम है। इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, तो पहला क्या है बच्चों, कॉस ए इज इक्वल टू कॉस ए, साइन ए की वैल्यू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, तीसरा टेन ए इस साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए कितना है अपॉन कॉस ए, ऐसा लिख लिया। फिर इसके बाद टेन ए को साइन ए अपॉन कॉस ए लिख लिया, साइन ए की वैल्यू रख ली है ना, साइन ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, साइन ए की वैल्यू अंडर रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब क्या करें, अब हम लोग इसके रेसिप्रोकल रेशियोज साइन कॉस और टेन तो मिल गए, साइन कॉस और टेन मिल जाए तो बच्चों बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इजी हो जाते। कैसे, सेक ए अगर लिखना है तो वन अपॉन कॉस ए, आंसर देखो सारे कॉस के टर्म्स में है, ये कॉस के टर्म्स में, साइन का आंसर ये भी कॉस के टर्म्स में, टेन का आंसर ये भी कॉस के टर्म्स में, अब सेक का आंसर बच्चों ये भी कॉस के टर्म्स में आ गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बच्चों इसमें कॉट ए, तो कॉट ए क्या आ जाएगा, दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ टेन ए, और टेन ए क्या है, इसका रेसिप्रोकल ले लो तो कॉस ए अपॉन रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक। उसके बाद कॉट ए आ गया, अब साइन का रेसिप्रोकल, साइन आ गया अच्छा कोसेक, कोसेक ए क्या है बच्चों, ये वन अपॉन साइन ए और वन अपॉन साइन ए, साइन ए की वैल्यू रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके बाद नेक्स्ट इसमें टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कैसे हैं वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अब जैसे इसमें क्वेश्चंस जो हैं आपको ऐसा कुछ आएगा, प्रूव दैट sec a इंटू वन माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a ये प्रूफ करना है। अब देखो ये प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। अब देखो sec और tan में ये एक रिलेशन एग्जिस्ट करना है तो अब ये हम लोग कोशिश करेंगे इसी का यूज कर ले। कैसे यूज कर सकते हैं, देखो लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज sec a इंटू वन माइनस साइन ए इंटू sec a प्लस tan a, ऐसा कुछ है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, sec a माइनस sec a इंटू साइन ए इंटू sec a प्लस tan a, क्या किया बच्चों अभी हम लोग ने इसमें sec a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा sec a माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, sec a को अभी हम लोग क्या वन अपॉन कॉस ए, sec a प्लस tan a, ऐसा कुछ आएगा।
आ जाएगा sec a माइनस टेन ए। ये देखो sec a को बच्चों अभी हम लोगों ने क्या लिख लिया, वन अपॉन कॉस ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए को टेन ए लिख लिया। अब ये कितना आ जाएगा sec a माइनस टेन ए इंटू sec a प्लस टेन ए। तो ये क्या चीज है बच्चों, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये कितना आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये आ गया सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी ये कितना वन। सो दिस इज व्हाट द राइट हैंड साइड। ये कैसे आया वन, क्योंकि सेक्स स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, वन। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, वी विल कंटिन्यू विद द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन आइडेंटिटीज ऑन द नेक्स्ट टाइम। दैट्स ऑल फॉर टुडे।